अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिलानी है, मैं हैदराबाद से हूँ और मैं वेल्डिंग का फैब्रिकेशन का काम कर रहा था। तो मेरे को एक रिक्वायरमेंट आया था बीच में कि एक शेड बनाना है, हवेली का शेड जो है ना, पूरा हमारा यही शेड का ही काम है, हम लोग शेड ही बनाते थोड़ा फैब्रिकेशन में। तो शेड के नीचे वो, मतलब मैं शेड बनाने के बाद कभी उसका फेस्टिवल हो हुआ तो क्या है, वो कभी गणेश का फेस्टिवल हुआ तो गणेश भी रख ले तो नीचे, और कुछ दूसरा फेस्टिवल हुआ तो वो भी रख ले तो नीचे बोल के बोला मेरे को। तो ये शेड बनाना जायज है या भाई साहब का एक सवाल है, सही से वाजे नहीं हो सका, बस एक चीज़ समझ में आई कि वो कोई काम करते हैं और उस काम को करते करते कहीं शायद उनको कोई मूर्ति भी बनाने की नौबत आ सकती है। तो मुसलमान हैं, मुसलमान मूर्ति की पूजा नहीं करता है, तो क्या वो ऐसा काम कर सकते हैं कि मूर्ति बनाएं? तो इसका जवाब ये है कि आप नहीं बना सकते, जो चीज़ इस्लाम में हराम है। आप मुसलमान हैं, मुसलमान मूर्ति की पूजा नहीं कर सकता है, तो ना मूर्ति की पूजा आप कर सकते हैं ना मूर्ति आप बना सकते हैं। जिनका मजहब है वो उनका मामला है और आपका मामला अलग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने यही हुक्म दिया कुरान में, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। तो दीन से हटकर बाकी हर मामलात में आप नॉन मुस्लिम के साथ खड़े हों, कोई मसला नहीं है। वो गरीब हैं तो आप उनकी माली मदद करें, वो बीमार हैं तो आप उनका इलाज करा दें, उनके बच्चों की फ़ीस आप भर दें, उनकी जिस कदर मदद करना हो आप मदद करें। इस्लाम इससे नहीं रोकता, बल्कि इस्लाम इसकी हौसला अफजाई करता है। लेकिन दीन का मसला आएगा, जाहिर सी बात है जो इस्लाम में अलाउ नहीं है मूर्ति की पूजा करना, तो इस्लाम जिस चीज़ को अलाउ नहीं करता उसमें किसी भी तरह का हिस्सा लेने से भी रोकता है, इसलिए आपको ये काम नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा।